नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी, आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे REPL 38 ड्रॉप्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई हम किन पेशेंट में देते हैं और किन लक्षणों किन बीमारियों में इसे हम पेशेंट को देते हैं, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो REPL 38 ड्रॉप्स का यूज़ हम बच्चों में लूज मोशंस होने पर करते हैं। बच्चों में अगर डायरिया हो जाए पेशेंट को, टीथिंग प्रॉब्लम के कारण कई बार डायरिया आ जाता है, यानी जब पेशेंट के दांत निकल रहे होते हैं, बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, तब पेशेंट को लूज मोशंस का सामना करना पड़ता है, वॉटरी स्टूल देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ छोटे बच्चे को यानी पेशेंट को टीथिंग प्रॉब्लम के साथ साथ दांत निकलते समय पेट में दर्द का सामना भी कई बार करना पड़ता है, ऐसे में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई लूज मोशंस को कंट्रोल करती है, साथ ही पेट दर्द को भी ठीक करती है। या फिर कई बार बच्चे में एसिडिटी बनने के कारण लूज मोशंस लग जाते हैं, गर्मियों के मौसम में अगर छोटे बच्चों में लूज मोशंस यानी डायरिया हो जाते हो तो उसमें ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं। दोस्तों, इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो पहली दवाई इसमें रैनम डाली गई है। ये दवाई बच्चे को तब दी जाती है जब बच्चे को स्टूल पास के दौरान गैस की भी समस्या हो, यानी डायरिया में गैस भी बनती हो, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कैप्नम मदर टीचर फॉर्म में अगली दवाई डाली गई है। ये दवाई बच्चे को तब दी जाती है जब गर्मियों के मौसम में बच्चे को डायरिया यानी लूज मोशंस लग जाते हैं, तो उसको ये दवाई कंट्रोल करती है। अगली दवाई इसमें मैक कार्ब डाली गई है। ये दवाई बच्चों के पेट दर्द में बहुत इफेक्टिव रहती है, लूज मोशंस को भी कंट्रोल करती है। अगली दवाई इसमें पोडोफाइलम डाली गई है। ये दवाई भी बहुत इफेक्टिव रहती है बच्चे के लूज मोशंस में, साथ ही पेट दर्द को भी कंट्रोल करती है। ये चारों दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं जो कि बच्चों के लिए सेफ रहती हैं। इस दवाई के डोजेज की बात की जाए तो होम्योपैथी की कोई भी दवाई छोटे बच्चों में बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर ले लें कि क्या ये दवाई पेशेंट के लिए सही रहेगी, क्या इसकी डोज लेनी चाहिए। दोस्तों, इस दवाई की डोजेज की जो कॉमन डोज होती है उसकी बात करें तो इसकी लगभग 2 से 3 बूंदे 1 चम्मच पानी में डालकर हम छोटे बच्चों को देते हैं दिन में 5 से 6 बार, लेकिन एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।